कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक सर से लेकर पांव तक जो हम रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, जय माँ वैष्णो, दिस साइड कशिश, कैसे हैं आप सब। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बालों से रिलेटेड जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है फ्रिक्वेंटली अपने बालों को धोना। हफ्ते में 1 से 2 बार ही अपने बालों को वॉश करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। लगभग लोग आजकल अपने बालों से ही परेशान हैं। सारी रेमेडी लगा के देख लिए, हेयर मास्क लगा के देख लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों ना थोड़ा सा गलतियों की ओर भी देखा जाए। दूसरी मिस्टेक जो हम बहुत कॉमनली करते हैं, बेफालतू में अपने बालों को हीट प्रोडक्ट लगाते रहते हैं। कोई ओकेजन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं, बस अपने बालों को अच्छा दिखाना है तो सीधे कर लिए। और उसमें बहुत बड़ी गलती तो हम करते हैं, अपने प्रेस को अपने बालों पर लगा लेते। तो प्रेस को कपड़ों पर ही करते हैं, बालों पर नहीं, इसलिए उसे वहीं रहने देते हैं। हम 2 दिन अपने बालों को अच्छा दिखाने के लिए साल भर के लिए अपने बाल ख़राब कर लेते हैं। इसलिए कोशिश करिए, हीट प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल यूज़ मत करिए और प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बदले आप रात को ओवरनाइट ब्रेड कर सकते हैं, या हीटलेस बहुत से हेयर स्टाइल होते हैं जिसे आप कर सकते हैं, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे और आपके बालों में कोई डैमेज भी नहीं होगा। एक और कॉमन मिस्टेक जो हम में से लगभग लोग करते होंगे, हम बालों को अननेसेसरली खोल के रखते हैं। हमें लगता है वो सांस ले रहे हैं। नहीं, वो सांस नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने बालों को अननेसेसरी मत खोलिए और जितना हो सके उसको ब्रेड बनाकर रखिए। बहुत से क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल होते हैं जो आप बंदे बाल में भी बना सकते हैं, तो जब तक ज़रूरत ना हो अपने बालों को ना खोलें। इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हेयर से रिलेटेड, बेफालतू में गंदगी भी बैठती है, जिस वजह से हमें फ्रिक्वेंटली अपने बालों को धोना पड़ता है, स्प्लिट एंड वगैरह भी हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए जब तक जरूरत ना हो तब तक ये चीज ना करें। दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक्स है स्किन केयर से रिलेटेड मिस्टेक, जो हम रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से ना हमें कोई मार्केट प्रोडक्ट फ़ायदा देता है और ना ही हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। हम क्या करते हैं, किसी भी वीडियो में से या कोई भी ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिससे हमें लगता है कि यार इनको फ़ायदा मिला है तो मुझे भी डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाले की स्किन अलग है, हमारी स्किन अलग है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसे उस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो आपको भी मिले। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो उसकी अच्छे से जाँच पड़ताल करें, ताकि आपके मुंह पर वो किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना करे और अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चुने और वही लगाए। कुछ भी देखकर कुछ भी नहीं लगाना है, प्रोडक्ट बहुत वाइजली चुनने हैं और देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। दूसरी स्किन केयर मिस्टेक जो मुझे लगता है हम में से लगभग लोग करते ही होंगे, हम क्या करते हैं, जिस तौलिए से अपने शरीर को पोछते हैं या अपने बालों को पोछते हैं, उसी से अपने मुंह को भी पोछने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी जो फेस की स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, इसी वजह से हमारे जो फेस में हैं वो पिम्पल्स वगैरह हो जाते हैं। इसलिए तो अपने फेस के लिए एक सेपरेट टॉवल यूज़ करा कीजिए। आप घर में अपनी कोई टी शर्ट जो साफ़ सुथरी हो, धुली हो, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कोई भी टॉवल नहीं यूज़ करना है, ना किसी घर वाले का यूज़ करना है। मुझसे अगर पर्सनली पूछा जाए कि मैं मार्केट प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ या नेचुरल पे, तो मैं घर पे बनी हुई चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ। मैं बाहर के किसी भी स्क्रब या फेस पैक पर इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। उसके बदले मुझे कभी भी कोई भी चीज़ करानी हो तो मैं घर में अवेलेबल प्रोडक्ट से ही जुगाड़ बांधने की कोशिश करती हूँ। और बेसन तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको सूट हो ही जाता है और सबके घर पर अवेलेबल भी होता है। तो कभी भी आपको कोई भी क्लीनिंग करनी हो तो बेसन को आप अपना दोस्त बना लीजिए। ये आपके बालों के लिए भी काम आ जाता है, स्किन के लिए भी, बॉडी के लिए भी और पैरों के लिए भी। पर अगेन, ज़रूरी नहीं है कि अगर सबको सूट होता है तो आपकी स्किन पर भी सूट हो। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें करिए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज़ करिए। तीसरी बहुत बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम तुरंत तुरंत प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, एकाएक हमें बिल्कुल शांति नहीं है, बिल्कुल बहुत जल्दी है हमें जीवन में, तो ये जल्दी हमें अपनी स्किन के साथ नहीं दिखानी है। हम क्या करते हैं, तुरंत ही टोनर लगाया, उसे सूखने भी नहीं दिया, तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगा दिया, सूखने भी नहीं दिया, सनस्क्रीन लगा दी, सीरम लगा लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर प्रोडक्ट के बीच में आपने 1 मिनट देना है, तभी नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। हम ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो रिपीट करते हैं। तीसरी मिस्टेक है लिप से रिलेटेड, हम क्या करते हैं, 2 पैसे बचाने के लिए कोई सा भी बाज़ार से लिपस्टिक उठा के ले आएंगे या फिर किसी का भी ड्यूप प्रोडक्ट उठाकर ले आते हैं, जिसका हमें भारी जुर्माना भरना पड़ता है। फिर हमें उन पैसों की भरपाई अपने ख़राब होठों से करनी पड़ती है। हमारे जो होठ होते हैं ना, जो काले पड़ जाते हैं एकदम से ही, वो इसी वजह से होते हैं।
साथ ही साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है। हम लिपस्टिक लगाकर चीज़ें खाते पीते हैं जो हमारे डायरेक्ट पेट पर जाता है, तो हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप हमेशा क्वालिटी को चुने क्वांटिटी के ऊपर। भले ही एक लिपस्टिक लें, लेकिन अच्छे ब्रांड की और अच्छे अमाउंट वाली लें। अब हमें बड़ा आलस आता है रोज़ रोज़ अपने पैरों को पेडिक्योर करने में, उनको मॉइस्चराइज रखने में। जिस दिन करेंगे उस दिन तो ठीक रहेंगे, लेकिन अगले दिन से अपनी पर उतर आएंगे। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने घर पर सॉक्स पहन कर रखिए, जिस वजह से बेफालतू का डर्ट आपके पैरों पर ना लगे, ना ही आपकी एड़ियाँ फटे। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम में से सारे लोग करते होंगे, हम क्या करते हैं, नहाने के बाद अपना अच्छे से फेस वॉश करके अपने फेस की तो अच्छे से केयर कर लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को भूल जाते हैं। स्किन केयर से हमें लगता है हमारे फेस की केयर, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किन केयर का मतलब है आपके पूरे बॉडी की केयर। आपको अपनी बॉडी की भी उसी तरीके से केयर करनी है जिस तरीके से आप फेस की करते हैं। नहाने के बाद अच्छे से अपनी बॉडी पर लोशन लगा लीजिए, ताकि उसको भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जो आप अपने फेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी मेरी तरह इन मिस्टेक से कुछ सीखें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।